24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। औरैया जनपद के थाना दिव्यापुर के गिरिराज पैलेस सीएनजी पेट्रोल पंप दिव्यापुर में मुख्य अतिथि राम शुक्ला भीमराव अंबेडकर का आगमन हुआ। संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम आज राजनीतिक दलों के लिए और आम जनता को गुमराह कर वोट प्राप्त कर रहे हैं। जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगने की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि देश को कैशलेस नहीं कास्टलेस बनाए जाने की ज़रूरत है। आज समाज को कई आईएएस और पीसीएस अधिकारी मिल जाते हैं। उन्होंने कहा यदि समाज नहीं जागा तो आने वाले दिनों में दलित नेतृत्व विहीन हो जाएंगे। ये स्थिति पूरे समाज के लिए बेहद खतरनाक होगी। हमें अपना नेता वो चाहिए जो किसी भी राजनीतिक दल से हो या निर्दलीय हो, बस मुख्यतः अपने ही बीच से चुनना होगा ताकि भाजपा के मंसूबों को कामयाब न होने दिया जाए। एमएलसी विधायक भीमराव अंबेडकर लगातार भाजपा और आरएसएस के खिलाफ खुलकर बोलते नजर आए हैं। बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता, विधानसभा अरुण कुमार दुबे, सेक्टर प्रभारी और सभी पदाधिकारी इस दौरान उपस्थित रहे। इसी क्रम में अरुण दुबे उर्फ लाल दुबे को दिव्यापुर विधानसभा का प्रत्याशी भी घोषित किया गया, जिस पर लाल दुबे ने बसपा सुप्रीमो मायावती और एमएलसी भीमराव अंबेडकर एडवोकेट का विशेष आभार प्रकट किया। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस।